रिस्पांस मिल रहा है दिल्ली में, दिल्ली के लोग खुश हैं अरविंद केजरीवाल के 5 साल के कामों से, और 70 साल में जो काम नहीं हुए वो 5 साल में हुए हैं, शिक्षा में, चिकित्सा में, बिजली पानी, औरतों की सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे, सब जो दिल्ली जो है वो बदल रही है अब, और दिल्ली जो है अपना सीएम नहीं बदल रही, बाकी दिल्ली में सब कुछ बदल रहा है, और आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के सीएम अरविंद केजरीवाल के सामने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? करने दो, मोदी जी क्यों नहीं आ रहे, उनको भी आने दो। मोदी जी ने अपनी फोटो क्यों हटा ली? क्योंकि मोदी जी को पता चल गया कि हार रहे हैं, इसीलिए वो इस हार को अपने जिम्मे नहीं लेना चाहते, उन्होंने अमित शाह को आगे कर दिया जहर उगलने के लिए। ठीक है ना, जहर उगलने दो, इनका काम ही जहर उगलना है, तड़ी पार लोग हैं ये, हमें सिखाते हैं देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं तो ये कहता हूँ कि दिल्ली में बहुत बड़ी जीत हो रही है आम आदमी पार्टी की, तीसरी बार सरकार बन रही है, और दिल्ली हमारी है, 2022 में पंजाब की बारी है। कैप्टन साहब पंजाब के मुख्यमंत्री जो हैं वो स्टार प्रचारकों में, वो किस मुंह से प्रचार करेंगे, क्या कहेंगे यहाँ आकर दिल्ली के लोगों को कि कांग्रेस को वोट दो, मैं बिजली पंजाब की तरह कर दूंगा 9.5 रुपये यूनिट, ये कहेंगे? ये बिजली यहाँ पे 1 रुपये यूनिट से भी कम मिल रही है। कैप्टन साहब आके कहेंगे कांग्रेस को वोट दो, मैं घर घर नौकरी दे दूंगा जैसे पंजाब में दी है। कैप्टन साहब कहेंगे कि कांग्रेस को वोट दो, मैं हॉस्पिटल जो है पंजाब की तरह कर दूंगा, जहां एक्सरे की मशीनों में कबूतरों के आलने हैं, घोंसले कबूतरों के बने हुए हैं। कैप्टन साहब आके यहां कहेंगे कांग्रेस को वोट दो, मैं स्कूल पंजाब की तरह सरकारी स्कूल बंद कर दूंगा। कैप्टन साहब कहेंगे कांग्रेस को वोट दो, दिल्ली में हम ETT और टेट पास जो टीचर हैं उनको पहले तो पिटाई करेंगे, उसके बाद उनको पानी की टंकी पर चढ़ने पर मजबूर करेंगे। कैप्टन साहब आके यहाँ कहेंगे कि कांग्रेस को वोट दो, हम 45,000 जो टीचर तनख्वाह ले रहे थे उनकी 15,000 कर देंगे, जबकि केजरीवाल ने गलत काम किया है, उन्होंने 17,000 से 34,000 कर दिए। कैप्टन साहब किस मुंह से आओगे आप दिल्ली में? आके तो देखो दिल्ली में, आपको पता चल जाएगा कि फ़र्क क्या होता है नीयत और नीति में। मान साहब, जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू का भी नाम लिस्ट में है, कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल में गुरु यहाँ शुरू नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरीके का उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, वो तो घर से ही नहीं निकले। सब बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी ने जो योजनाएं लागू कर रखी हैं उसको 5 गुना बढ़ाया जाएगा, कैसे, क्या कहें? पहले अपनी स्टेटों में जहाँ पे उनकी सरकार है वहाँ बढ़ा दो ना। राहुल गांधी कह रहे 700 यूनिट माफ कर दूंगा बिजली के, पंजाब में कर देना, राजस्थान में करके दिखा देना, मध्य प्रदेश में कर देना। और मनोज तिवारी बीजेपी कह रही है कि 5 गुना बढ़ा देंगे जो सुविधाएं हैं, हिमाचल में बढ़ाओ ना, यूपी में बढ़ाओ ना, जहाँ पे आपकी सरकार है वहाँ बढ़ा दो ना। तो दिल्ली में DDA इनका है, MCD इनकी है, वहाँ से सुविधाएं दे दो, वो तो करप्शन का अड्डा बन चुका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी रिकॉर्ड बनाने जा रही है 70-0 का, और 11 फरवरी को प्रधानमंत्री चाय पे बुलाएंगे अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि चाय वाले